अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون اور نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے ओ मुख प्यारे वल्लों मोड़ दीजे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ओ एथो कल हो गए जोड़े नी कईया हथी पुत्र टोरे नी कईया मापियां थी मुख मोड़े नी पढ़ला इलाहा इल्लल्लाह हर किस्म दी हमद सना अल्लाह रब रहमान वासे बेशमार अनगिन दुरूद सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात गिरामी दे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह मालिक दा बेहद शुक्र है जिस मालिक ने सानू इस गया गुजरे दौर दे अंदर अपने करे आने दी तौफीक अता फरमाई है अल्लाह मालिक अगे दुआ है अल्लाह तोड़ा आना बैठना सुनना और मेरा सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और सुन सुना के मेरे समेत सबना नु अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक मेनू हक और सच बयान करने दी तौफीक अता फरमाए आज अल्लाह मालिक दी तौफीक दे नाल आप सरकार अलैहि सलाम दी वफात दी कुछ खबर कुछ उन्हां दियां बातां बयान करांगा अल्लाह मालिक अगे दुआ है अल्लाह सही माने च बयान करने दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन हर जान ने मौत दा ज़ायका चखने हर जान नु मौत आवनी आवनी है उसे रब रहमान दी तरफ लौट के वापस जाना है अल्लाह दा कुरान कहंदा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन
हर जानूम मोता किरणियम। अल्लाह पा फरमाने ने अल्लाह दीम हलकल मौता वल हयात लियबलुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ओ दुनिया जहान दो मैं ते ओ रब हां जिन्हें मौत नु जिंदगी दे नालों पहले पैदा कर दिता। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ओ मेरे वीर आ दुनिया ते तैयारी कर ले। अल्लाह दा कुरान कहंदा वा मा जानना ले बशर मिन कबलिकल खुलदम। ए जड़ी आयत ए मेरे नबी दी मौत वाले इशारा कर रही है के सोने महबूबा तुहानू भी एक दिन मौत आ जानी है। अल्लाह दा कुरान एक और मुकाम ते अरशाद फरमारे वा मा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन कबल रुसल अवई मातम औ कुतिलन कलब तुम अला काबिकुम व मैयन कलिब अला किबैहिम फलन यदुर अल्लाह शैया व सयजजिल्लाहु शाकिरीन। जेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अल्लाह दे रसूल ने जिस तरह इन्हां तो पहले रसूल आए अगर ये अपनी तबी मौत या शहीद कर दिते जान या अपनी तबी मौत फोत हो जान जेड़े अपनी एड़ियां तो फिर जान गए। अल्लाह बा फरमांदे ने उन्होंने साडा कोई नुकसान नहीं किया उन्होंने अपना ही नुकसान किया। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ मेरे वीर दस हिजरी नाम अल्लाह अकबर अल्लाह जिलकद्दा दी पंजी या छब्बी तरीख आमना दलाल सारी कायनात दे सरदार नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दिंदे ने कहंदे नो मेरे सहाबियो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज ते जा रहा हां जिन्ने जिन्ने मेरे नाल हज ते जाना तैयार हो जाओ। 144,000 सहाबा तैयार हो जांदे ने मेरे नबी ने सहाबा नु नाल लिता है ए मैदान अरफा च पहुंच जांदे ने हज दे तरीके मेरे नबी दसदे पे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। नौ दिल जाए मेरे नबी अरफा दे मैदान च ए निमरा मस्जिद दी एक नुक्कर ते कड़े होए ने आप डाची ते सवार ने सहाबा कराम दा इर्द गिर्द 144,000 सहाबा दा जम गठा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। खामोशी छाई हुई है सन्नाटे छाए हुए ने सहाबा दियां नजरां दिलो दिमाग अल्लाह दे नबी वाल लगे हुए ने सहाबा दे दिलो दिमाग मेरे नबी वाल मुतवज्जा ने आपना दिलाल सारी कायनात दे सरदार नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा नु दरस तदरीज दे रहे ने कह रहे हो मेरे सहाबियो मेरे कोलो हज दे तरीके से खलो हो सकदा दोबारा तुहाडी ते मेरी इत्थे मुलाकात न हो सके। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी फरमांदे ने ओ मेरे सहाबियो अल बल्लग तुकुम रिसालत रब्बी। मेरे नबी ने सज्जे मुंह करके वे क्या खब्बे मुंह करके वे क्या सामने वाला नु मुहातब करके क्या क्या मैं तुहाडे तक अल्लाह दा दीन पुचा दित्ता है के कोई नहीं। ये सारे कहंदे ने सुने महबूबा तुसा दीन पुचांदा हक अदा कर दित्ता साडे तक हक पुचा दित्ता है दीन पुचा दित्ता आमना दलाल सारी कायनात दे सरदार नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत वाली उंगली कड़ियां करके कहंदे ने आसमान वाले मुंह करके कहंदे ने अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाह तू गवाह हो जा तू गवाह हो जा मैं तेरा दीन इन्हां सहाबा तक पहुंचा दिता है इन्हां लोगों तक पहुंचा दिता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आमना दिलाल सारी कायनात दे सरदार नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाची दे सवार ने मेरे नबी दे मत्थे ते त्रेलियां नी शुरोगी आमना दिलाल उत्थे झुक जांदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सहाबा दियां नजरां मेरे नबी दे मुखड़े वल लगी हुई ने सहाबा कहंदे ने अज दिन भी खास है जगह भी खास है कोई वही भी खास आ रही होगी कोई पैगाम भी खास आ रहा
होएगा। मेरे नबी वही तो फारग होए आप फरमांदे नो मेरे सहाबा उन्हें उन्हें मेरे को जिब्रील आए ने पैगाम की लगे ने अल्लाह दा काम की लगे ने अल्लाह पाक ने आयत नादल कर दी इस्लाम मुकम्मल कर दिता गया तुहाडे ते नेमतां रब दियां तमाम हो गईआं ने ते तुहाडे लई दीन इस्लाम नूं पसंद कर लिता गया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नो रोन लग पैंदे ने सहाबी कहंदे ने उमर जी क्यों रोंदे हो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नो कहंदे ने जदों रब दा दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया समझ लो आमना दलाल सारी कायनात सरदार नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदी ना दे साडे कोल मेहमान रह गए ने ओ मेरे अगे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे नबी नूं माए रमजान दे अंदर एक वारी कुरान दा दौर करांदे सी इस वादा सी हिजरी नूं अल्लाह पाक दे फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी नूं दो वारी कुरान दा दौर करवाया। हर वारी मेरे नबी 10 दिन इतकाफ कीता करदे इस 10 हिजरी नूं मेरे नबी ने 22 दिन इतकाफ कीता। ए चीज़ां जिहड़ियां ने ए मेरे नबी दियां जिहड़ियां गल्लां मेरे नबी दे कम ए मौत वाले इशारा करने आमना दिलाल सारी कायनात सरदार नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूकुल इंसान ने यदा दर्स दिता हज्जतुल विदा तो फारग होके मेरे नबी वापस आ जाते ने ये हज का भी ये महीना गुजर जाता मुहर्रम चढ़ बैंदा ये 11 हिजरी मुहर्रम भी गुजर जाता है। सफर की 29 तारीख है आमना दिलाल सारी कायनात सरदार नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे ते गए ने जनाजे तो वापस आंदे ने सिर नूं दर्द चढ़ जांदी है इन्नी शदीद दर्द चढ़ जांदी है ये जिहड़ी दर्द इन्ने टाइफाइड बुखार दी शक्ल इख्तियार कर लीती ते टाइफाइड ने मौत दी शक्ल इख्तियार कर लीती। मेरे नबी जन्नतुल बकी वाले कब्रस्तान च जाके इन्ना वास्ते दुआ करदे ने घरे वापस आ जांदे ने ये जनाजे तो वापस आए ने इन्नी शदी दर्द इन्नी दर्द मेरे नबी को छबलिया नहीं जा रहा कोई शहर तरच मंगा दम ओ जनाजे तो आए एक दिन नबी सरदार सी वक्त दोपहर गर्मी दिल बेजार सी सर नू दर्द चढ़िया मौत बुखार सी होई तकलीफ हद नागीम ओ करमा गया चन चेहरा ओ करमा गया चन चेहरा चारा ना काइया सत बुखार आया तकदीर इलाहिया बदन चो शेक हालत गशी तक आईया रुने असहाब थों थाई मेरे नबी नूं इन्ना तेज बुखार हो जांदा ए मौत दी शक्ल इख्तियार कर लैंदा ए दिन गुजरते जा रहे ने इधरों रबी लवल दा महीना चढ़ जांदा इंदी पहली सोमवार आ जांदी ए आ फरमांदे ने ऐना नगदन ऐना नगदन मैं कल गिंदे घर आवांगा कल केड़ी बीवी दे घर आवांगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ना कहंदियां ने ओ मेरी ओ माँ मेरे बाबे नूं क्यों इजाजत नहीं दे देंदियां कि आखरी अयाम जेड़ी मर्दी बीवी दे घर गुजार लैन सारियां मावां समझ जांदियां ने मेरे नबी दा दिल चांदा कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला नहा दे घर दे अंदर ही आखरी दिन गुजारा हज़रत अली हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास नूं मेरे नबी बुला
लेंदे ने उम्महातुल मोमिनीन इजाजत दे दंदियां ने मेरे नबी नु हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दे हुजरे च पुचा दित्ता जांदा है। मेरे नबी आखरी दिन मां जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दी गोच गड़ रहे ने इन्हां दे घर दे अंदर गुजार रहे ने। मेरे नबी नमाज़ा आप बना रहे ने इधरों जुमेरा दरोदा जांदा है। मगरब दी नमाज मेरे नबी ने पढ़ाई है। ईशा दी नमाज दा टाइम हो जांदा है। आप ईशा दी नमाज दे टाइम दे वक्त अपने हुजरे दे अंदर मौजूद ने। इधर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु रजी अल्लाह तआला अन्हु अजान कह के आ जांदे ने। आन के कहंदे ने सोने महबूबा अस्सलाम सलाम नमाज दा टाइम हो गया, नमाज दा वक्त हो गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ए बार खड़े सदावां बुलंद करदे पे ने। आ फरमांदे ने आयशा क्या नमाज दा वक्त हो गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदियां ने जी जी महबूब जी नमाज दा वक्त हो गया। आ फरमांदे ने आयशा मेरे कोल उठिया नहीं जा रहा, मेरे नाल थोड़ा जातरा करके मैनू खड़ा कर दियो। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी नु नमाज लिखड़ा करदे ने। आप ते गशी धारी हो जांदी है, आप गश खांदे ने बेहोश हो के गिर जांदे ने। फिर होश आंदी है, नमाज वास्ते जान लगदे ने। फिर गशी आंदी आप गिर जांदे ने। तीन दा फैसला होया, चौथी दफा होश आंदी आप फरमांदे ने आयशा क्या नमाज वेला हो गया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना कहंदियां ने सोना महबूबा हां नमाज वेला हो गया। आप मंदने मुरुआ बाबा करीन फालियो सल्ले बिन्नास, मुरुआ बाबा करीन फालियो सल्ले बिन्नास। अबू बकर नु को मेरे मुसल्ले ते खलोके लोगां नु नमाज बना दे। हजरत आयशा कहंदियां ने सोने महबूबा मेरा बाबा बड़ा रकी गुल कलबे, मेरे बाबे दा दिल बड़ा नरम है, उंदे कोलो बर्दाश्त नहीं होना, ओ तुहाडे मुसल्ले ते खलोके नमाज पढ़ा देवे। किसी और हुकम करो क्यों नमाज पढ़ा दे। आप फरमांदे ने मुरुआ बाबा करीन, हजरत आयशा कहंदियां ने सोने महबूबा मेरा बाबा बड़ा रोंदा है, उंदे कोले बर्दाश्त नहीं होना, ओ नमाज नहीं पढ़ा सकेगा, तुसी और किसी नु इजाजत दे दियो। आप फरमांदे ने मुरुआ बाबा करीन अबू बकर नु को मेरी जगह ते खो के नमाज पढ़ा दे। आप फरमांदे ने मेरे नाल यूसुफ वाली करारियां दा ओ मिस्र वालियां करारियां दे क्यों सलूक पिया कर दियां जे। अगर मेरे तो बाद कोई इमाम बन सकदा मेरे मुसल्ले दा जानशीन बन सकदा ते अबू बकर सिद्दीक बन सकदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई, सहाबा किराम ने नमाज पढ़ी, आप सकाल सलाम घर के अंदर मौजूद ने, आप आवाज दिंदे ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमाई हुक्म दिता जांदा कि सत्तां कुआं दा पानी इकट्ठा किया जाए। सत्तां कुआं दा पानी इकट्ठा करके मेरे नबी दे उत्ते बहा दिता गया। आ सरकार अलैहिस्सलाम नूं कुछ होश आ जांदी है, ए बुखार मठा बह जांदा। आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ते हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कंधियां ते हथ रख के मस्जिद नबी वल आ रहे ने। ओ मुसलमान तेरा पीर तेनूं की दस के जा रहा है, आ मेरा नबी मस्जिद नबी वल आ रहा है। ओ नबी दे अंदर चालियां बंदियां दी ताकत मौजूद होंदी है, पर अज मेरे नबी दे अंदर एक बंदे दी भी ताकत मौजूद नहीं रहेगी। दो सहाबा दे मोढ़ां दे वजन पाया होया है, मेरे नबी दे अंगूठे मुबारक जिस्म ते गए जमीन ते गड़ीज रहे ने। मेरे नबी दे अंगूठे इस जमीन दे उत्ते लकीरा लांदे आ रहे ने। तेरा मेरा पीर इस दुनिया तो जांदी वार भी पैगाम दे के जा रहा है। ओ दुनिया जहान दे लोग, ओ तुसी नमाज पढ़नी मस्जिद च नहीं आंदे, ओ मस्जिद अगर तुहानू रिड़के भी आमना पवे, हड्डियां रगड़ रगड़ के भी आमना पवे, मस्जिद च आया जे आप सरकार ने सलाम नू मस्जिद दे अंदर लियांदा जांदा, ए नमाज पढ़ाई जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज तोड़न की कोशिश करते ने, ये पिछली साल च मिलना चाहते ने, आप इशारे ना रोक देंगे ने। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे नबी नू हजरत अबू बकर सिद्दीक
ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਕੱਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮਨਾ ਦਿਲਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਆਪਣੇ ਵਫੂਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਖਰਜੁਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮਿਨ ਜਜ਼ੀਰਾਤਿਲ ਅਰਬ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਰਮ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਗਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਰਮ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਇਹਨੇ ਦਿਰਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਗਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਗਮਜ਼ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਹਾਰ ਏ, ਆਪ ਤੇ ਮੌਤ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮ ਕਾਸ਼ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀਓ ਇਹਨੂੰ ਛੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਛੜੀ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਿਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਕੱਪੜਾ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਮਜਮੇ ਚੋਂ ਦੌੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਛੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਮਰੋੜਦਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬੋਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹੁਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਮ, ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਸੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਹਾਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਇਧਰੋਂ ਇਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰਾ ਰੱਬੀ ਲਵਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਪੈਰਵੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਹੁਜਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀਓ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਮੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਆ ਤੇ ਕਲਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਬਾਦੂ ਪਕੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਸੀਰ ਤਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਬੀ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਿਹਾਬਾ ਆਪਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਵਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਿਖਵਾਈਏ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਯਹੂਦਾ ਵੰਨਸਾਰਾ ਇਤਖਦੂ ਕਬੂਰ ਅੰਬਿਆਈ ਮਸਾਜਿਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਬਾਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਿਆ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਿਆ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਗਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਜਦਾ ਗਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਯਾਰਾ ਰੱਬੀ ਲਵਲ ਦਾ ਦਿਨ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਚੜ ਪੈਂਦੀ ਏ, 12 ਰੱਬੀ ਲਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮਨਾ ਦਿਲਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸਿਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ
हालत मेरे नबी दे बह जांदियां ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे हटन की कोशिश करते ने, मेरे नबी हाथ दे इशारे नाल रोक देंदे ने। सहाबा करम नमाज च इन्ने खुश होंदे ने कि नबी पाक ठीक हो गए ने, नमाज वास्ते तशरीफ लियान लगे ने। अन करीब सी कि सहाबा नमाज दौड़ देंदे, मेरे नबी ने ए हुजरा शाह सिद्दीक परदा थले सिर दिता। इधर उधर अबू बकर सिद्दीक ने नमाज मुकम्मल कराई, सहाबा करम नमाज पढ़ के अपने अपने कम घरां ते चले जांदे ने। इधरों दिन चढ़ जांदा, मेरे नबी फरमांदे ने हसन हुसैन बुलाओ, मेरे जिगर दे टुकड़े मेरी बेटी फातिमा बुलाओ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बुलाया जांदा, हजरत हसन हुसैन भी बुलाया जांदा। मेरे नबी हजरत हसन नाल भी प्यार करते ने, हुसैन नाल भी प्यार करते ने, हजरत फातिमा नाल भी प्यार कर रहे ने। हजरत फातिमा नाल मुहब्बत दियां बातां हो रही ने। आ फरमांदे ने फातिमा तेरा बाबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया तो जान वाला है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोन लग पैंदियां ने। आ फरमांदे ने बेटा फातिमा मेरी गल तो सुन, कन नज़दीक तम। आ फरमांदे ने बेटा फातिमा इस दुनिया तो जान तो बाद सब तो पहला तू मेरे कोल आएगी। हजरत फातिमा मुस्कुरा पैंदियां ने, मेरे नबी ते ए गशी तारी होनी शुरू हो जाती है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला नाम कहंदियां ने वाह कर बाबा हूँ, वाह कर बाबा हूँ, हाय मेरे अब्बे दादर, हाय मेरे अब्बे दादर। आ फरमांदे ने लैशाला भी काम करबुन बादा हादल योम, बेटा फातिमा आज तो बाद तेरे बाबे दे सारे दुख मुक जाएंगे, आज तो बाद तेरे बाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां सारियां तकलीफां मुक जाएंगियां। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत फातिमा रो रही ने, मेरे नबी दी हालत वेख परेशान हो रही ने। ओए फातिमा रुनी अब्बा, अब्बा पुकारिया, वद गई बीमारी दिशे मौत इशारिया, होंदा ए मलूम जिवें उजड़े गुलजारिया, पैनी जुदाई साडे तई। इधर दरवाजे ते दस्तक शुरू हो जाती है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ना दरवाजे ते जांदियां ने, जाके कहंदियां ने ओ दस्तक देन वाले मेरे बाबे दी बड़ी तबीयत खराब है, फिर आ जाई फिर आ जाई। एक बार दस्तक हुंदी है, बाहर जांदियां ने कोई नजर नहीं आंदा, फिर आके कहंदियां ने अल्लाह दे नबी पाक नूं फरमांदियां ने बाबा जी बार 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 दस्तक हो रही है, मैं बाहर जानी हूं कोई नजर नहीं आंदा, दस्तक देन वाला कोई नजर नहीं। मेरे नबी दे कोल हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आन के खड़े ने, कहंदे ने सोने महबूबम बार इजराइल नाल आया, इजाजत पे मंगदा, ये कहंदा पे इजाजत दियो। उन्हें घर दे अंदर दाखल होना क्योंकि अल्लाह पाक ने सानू आन लगे आर्डर किया दी, ओ इजराइल जब तक मेरा नबी इजाजत ना दे तब तक अंदर नहीं जाना। आ फरमांदे ने बेटा फातिमा ये कोई अरबी नहीं दाम, ए कुछ हाबी नहीं दाम, ए इजराइल अज तेनु ते मैनू जुदा करन लिया है, बेटी प्यार ही ए त्यो ए जड़ा वस दे घर उजाड़ दिंदा ए, बेटी प्यारी ए त्यो ए जड़ा शहरां नू वीरान करदा कबरां नू आबाद करदा। इजराइल हजरत जबरील अलैहिस्सलाम कहंदे ने सोना महबूबा इजाजत दे दियो, आप इजाजत दे दिंदे ने। हजरत जबरील सलाम दे कहंदे इजराइल सलाम अंदर आ जांदे ने, ए माला कोल मौत आन के मेरे नबी दे कोल खलो जांदा। आ फरमांदे ने इजराइल कहवें ए कहंदा हजरत जी अल्लाह पाक ने हुक्म दित्ता ए मेरा महबूब अगर इजाजत दे ते जान कबज करनी है, रूह कबज करनी है, अगर मेरा महबूब पीछा मोड़ दे ते मुड़ के आ जाना है। आ फरमांदे ने इजराइल जे मैं इजाजत ना दियां ते फिर कहंदा सुन महबूबा मुड़ जावां
ਆਉਂਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਚਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜੋਗੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਓ ਹੈ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਚੱਦ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਿਲ ਮੌਤ ਸਕਾਰਾਤ ਇੰਨਾ ਲਿਲ ਮੌਤ ਸਕਾਰਾਤ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਖੜਾਏ ਜਾ ਸਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਤ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਖੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਆ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਈਆ ਆਇਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਿਸੇ ਨਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਣਾਇਆ ਇਧਰ ਉਧਰ ਤੈਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੌਵੇ ਦਾ ਤੈਨ ਪੜ ਕੇ ਦਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਨਬੀ ਬਕਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਵਾਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਸਵਾਕ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮਿਸਵਾਕ ਕਰਨੀ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਿਸਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਵਾਕ ਚਿੱਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਚਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਵਾਕ ਪਾ ਕੇ ਚੁਬਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਜਮਾ ਅੱਲਾਹੁ ਬੈਨਰੀ ਕੀ ਵਰੀ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਲਾਭੇ ਦਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਰੇ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਗੇ ਵਾਪੀ ਯੋਮੀ ਵਾਪੀ ਨਾ ਸ਼ਹਰੀ ਵਾ ਨਹਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਤਰਚਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚਾਸ਼ਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉਜਰਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੀ ਨਾ ਓਏ 12 ਰਬੀ ਦੀ ਸੁਬੋ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ ਸੀ ਪੜਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਬਿਰਰਫੀਕ ਲਾਲਾ ਸੀ ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਮੰਗਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਮੰਗਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਈ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਵਾਲਾ ਟੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਸੀ 12 ਰਬੀ ਦੀ ਸੁਬਹ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਨੂਰ ਉਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਲੰਘੇ ਦੁਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਵਾਲਾ ਟੱਲੇ ਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ 12 ਰਬੀ ਦੀ ਸੁਬਹ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਨੂੰ ਦਾਗ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ
जलाल सारी कायनात सरदार नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी तो कूच कर जाते हैं। सहाबा कराम अपने कम कर गए ने मेरे नबी दे आशा सिद्दीका दे उजरे दे अंदर आमना दिलाल दाम जज्जे मुबारक ब्याह हजरत आशा रो रही ने फातमा रो रही ने हसनो हुसैन रो रहे ने हफ्सा रो रही ने आशा कहती ने मेरे सिर दे ताज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हो गए ने हफ्सा कहती ने अज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हो गए ने फातमा कहती ने मेरा बाबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हो गए हसनो हुसैन कह रहे ने साढ़े नाना जी बहुत हो गए ने अल्लाह को अकबर अल्लाह ओए रूह परवाद कर गई नबी सरदार दी फातमा रोंदी नाले अब्बा पुकार दी ओई यतीम शक नहीं ऐशा कहंदी वेखो शान लाही नीम चुप गया चन आई रात स्याही नीम यूसुफ तो सोना कितरे असां दा माही नीम पाई जुदाई साडे ताईं अली बहादुर आखे हाल न काई आम ओ अली बहादुर आखे हाल न काई आम भाई शफीक मेरे दित्ती जुदाई आम गमां दी रात हुन साडे उते आई आम ओनो चन माही दिसदा नहीं एक नुक्कर दे अंदर हजरत उस्मान ने गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े रो रहे ने कि कहंदे ने ओ कहंदा उस्मान पहला मैं मर जावदा ओ कहंदा उस्मान पहला मैं मर जावदा दाग जुदाई वाला मैनू ना आवदा नमाज़े जनाजा हजरत मेरी पढ़ावदा हत्ती दफनांदा मेरे दाईं उमर बहादुर जदों चेहरा तकाया सी गम दीवाना कीता होश उड़ाया सी पकड़ तलवार उस आख सुनाया सी मरिया ना आखो सोने ताईं अल्लाह को अकबर अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को ताला नो मकाम में सोते अपनी डारी दे गए ने बाहर निकलते ने की देखते ने एक छोटा जा बच्चू एक छोटा जा बच्चा कदी डिगदा है कदी खड़ा होंदा कदी रोंदा है हजरत अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने ओ बच्चे तेनू की होया ए कहंदा अबू बकर जी इन्ना मतलब है तुहानू कोनी पता मक्का वीरान हो गया मदीना वीरान हो गया असी यतीम हो गया जगां दे वीर सानू जुदाइयां दे के चले गए ने हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घोड़े ते सवार होंदे ने सिद्धा नबी पाक दूजरे दिन आंदे ने आके मेरे नबी नूं बोसा दिंदे ने कहंदे ने सोना महबूबा तुहाडी जिंदगी भी किन्नी बकी दा तुहाडी मौत भी किन्नी बकी दा अल्लाहु अकबर अल्लाह आप सिद्धा मस्जिद नबी दे अंदर आंदे ने की वेखदे ने एक होर फितना खड़ा होया गला हजरत उमर फारूक ने तलवार पकड़ी हुई है कहंदे ने जिहड़ा ए कहेगा आमना दलाल हो गया मैं उनकी गर्दन उड़ा देंगा हजरत अबू बकर सिद्दीक समझाने की कोशिश करते ने हजरत उमर की समझ गल गुनिया दी ये बात छुड़वा लेंदे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो सिद्धा मस्जिद नबी दे मिंबर ते बैठ जाते ने एक अजीम शान खुतबा देंदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पिछे सारे सहाबा कराम आन के मस्जिद नबी च बैठ जाते ने हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबी दे मिंबर ते बैठे ने अम्मा बाद खुतबा शुरू कर देंदे ने मन कान मिनकुम या बुदू मुहम्मदन फैन्ना मुहम्मदन कदमाद और दुनिया जहान दे लोग जेड़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पूजा करदा सी उंदा दिल आपोत हो गया जेड़ा अल्लाह दी पूजा करदा है मन कान मिनकुम या बुदुल्लाह फैन्नल्लाह हय्युल्ला यमून
जरा अल्लाह की पूजा कर दम अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाली जात है अल्लाह हमेशा जिंदा ने अल्लाह को अकबर अल्लाह नाल कुरान की याद पढ़ दें ने वामा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन कबल रसूल अब इमातम औ कुतिलन कलब तुम ए कुरान की याद पढ़ी हजरत उमरे फारूक गश खाक डिग देने बेहोश हो जाते ने होश आंदी है कहते ने अबू बकर जी थोड़े ते मेरा माई बाप कुर्बान होए अल्लाह को अकबर अल्लाह उस वक्त अगर तुसी ए आयत ना पढ़दे हो सकदा मैं भी गुमराह हो जांदा अल्लाह को अकबर अल्लाह हुन सारे सहाबा ही पढ़ रहे ने वामा मुहम्मदुन इल्ला रसूल अल्लाह को अकबर अल्लाह ओए रोंदा सिद्दीक नाले खुतबा सुनावदा ओ रोंदा सिद्दीक नाले आंसू बहावदाम नाले कुरान पढ़ पढ़ खुतबा फरमावदाम उमर प्यारे ताईम दिलो समझावदाम सुनो मैं दसा तुहाडे ताईम हो गया फोते अज जगां दा पीर जे हर एक ने फोते होना लिखी तकदीर जे जिंदा हमेशा रहना रब कदीर जे और कोई जिंदा रहे नहीं अल्लाह को अकबर अल्लाह सहाबा कराम मेरे नबी दे गुसल का बंदोबस्त कर देने कपड़ा समेत मेरे नबी नु गुसल दिता जाता अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे नबी दी हुजरा आयशा सिद्दीका दे अंदर कबर बना दी जाती है एक शहर दे लाद वाली मेरे नबी दी कबर तैयार हो जाती है अल्लाह को अकबर अल्लाह अहले बैत नु मौका दे दिता जाता है यान के मेरे नबी दे दरूद पढ़ते ने सहाबा कराम वारी वारी से दस दस बंदे आन के मेरे नबी दे दरूद पढ़ के जा रहे ने अल्लाह को अकबर अल्लाह इधरों मंगल भी गुजर जाता है बुद्ध आ जाती है मेरे नबी की कबर बनाई जाती है कई दे खड़ाक की आवाज उम्मतुल मोमिनीन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी सुन लैंदियां ने इधरों हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कह रही ने या बताहूम अजाब रब्बंदाहूम या बताहूम मन जन्नतुल फिरदौस मावाहूम या बताहूम इला जिब्रील नाहूम हजरत फातिमा कह रही ने हाय मेरे अब्बे की मौत की खबर अति जिब्रील सलाम दिने जिब्रील अज तो बाद तेरा सुनिया ध्यान बंद हो गया अल्लाह को अकबर अल्लाह इधरों कई ये मिट्टी पा दी जाती है ये हाथ झाड़ते हजरत अनस बिलाल बार आते ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये घड़ी हुई ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी घड़े हुए ने खड़ी हुई ने एक ही कहते ने ओ अनस बिलाल नबी दे ओ यारो ते नबी किथे छड़ आए एड सोने मुखड़े ताईम क्यों कर खाक विच समाए ओ तुसी तांसी पाक नबी उतों जाना गोल गुमंदे यार यारा नू इंज तनाई विच खाक समांदे सुन कर दारी जिक्र नबी थी इंजू हाल परोयां ओ लचार तमामी अगोम एरदा सुनायां ओ कुछ ना रह गया वासा संदे ते वर्त गईया तकदीरां होश हवास रह ना गया कोई ओ होश हवास ना रह गया कोई ते वरत गया तदबीरां अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे नबी दी कबर बना दी जाती है इधरों एक आवाज देने वाला कहंदा है ना अबू बकर अबू बकर कित्थे अबू बकर कित्थे अल्लाह को अकबर अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने ओ भाई तेनू की होया ये कहंदा हज़रत जी मैं वेख्या बिलाल कमला होके जंगलों की तरफ दौड़िया जा रहा है अल्लाह को अकबर अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक 60 साल उम्र हो चुकी है बुढ़ा जिस्म लैके
के हजरत बिलाल दे पिछे दौड़ा ला दिंदे ने, जाके बिलाल नू जप्पा पा लैंदे ने, कहंदे ने बिलाल रब दुआ सही अगे अंबी बाग सानू जुदाइयां दे गने, हुण तू ना जुदाइयां दे के जाई, ओ नबी दिया बांगे हुण ना जुदाइयां दे के जाई। हजरत बिलाल कहंदे ने, ओ कहंदा बिलाल रातां कालियां आईयां ने, छड़ गया सात सोना पुदाइया ने, जिन्ना दे पिछे लग के मारा मैं खाइया ने, ओ सोना माही दिसदा नहीं जदों दा दफन किता नबी सुहारे नू, हो गया देश सुनजाम मैनू बेचारे नू, तरसदियां अखां लोको उस नजारे नू, पर ओ माही दिसदा नहीं शम्मा न जदो दिसी असल परवाने आम, हो गए सहाबी सारे वांग दीवाने आम, नबी दा कदर जिन्ना लोगों ने जाने आम, ओ जनता दे वारस शक नहीं, ओ शहर मदीने होया सुंज उजाड़ा सी, घर घर लोकी रोंदे मार मार दाड़ा सी, नबी दा कदर किता पत्थर पहाड़ा सी, रुन्ने हैवान शक नहीं, इधर मेरे नबी दी डाची कसवा इनू ही पता मेरा सवार मुहम्मद बहुत हो गया, एक कदी मस्जिद नबी वाले जांदी है मदीने दे बाजार च जांदी है, मेरे नबी नजर को नहीं आंदे आसमान नवले मुंह करके रोंदी है, ओ हजरत दी डाची कसवा नाम प्यारी दाम, टुट गया सवार जदों इस बेचारी दाम, गलियां विच रोंदी गम सवारी दाम, खाना पीना याद नहीं इन्हें खान दे पीन छड़ दिता, सहाबा कराम नबी दी निशानी समझ गए, इन्दे मुंह नाल चारा लांदे ने पानी लांदे ने, ये खांदी दे पींदी कोनी कुछ दिन जिंदा रहिंदी है, ये भी दुनिया तो डर जांदी है, इधर हसन ते हुसैन मेरे नबी दे नवासे, कदी अजराज सिद्दीक जांदे ने, कदी मस्जिद नबी जांदे ने, मेरे नबी नब्दे कोई नहीं दे रोंदे ने, ओए हसन हुसैन रो रो करन जारियां, नाने दी गोच जिन्ना मौजां सी मारियां, करमा गे भुल वांगू शकलां प्यारियां, पाए बछोड़े अल्लाह शाहीम अल्लाहु अकबर अल्लाह, इस हाबा करांदियां इंज दियां हालतां पईयां ने, ओ तेनू नचन ते टप्पन दियां पईयां ने, मिलाद मनावन दियां पईयां ने, आओ जरैश असीं दी गज की बीतरियां ने, बिलाल दे की बीतरियां ने, मेरे नबी दे बांग ने, ए मदीना शहर छड़ दिता शाम दे इलाके दे अंदर चले जांदे ने, कुछ दिनों तो बाद कुछ मुद्दों तो बाद इन्ना दिल करदा ए मैं जाके नबी दी कब्र तो फेरा मारिया, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए मेरे नबी दे शहर मदीने जा जांदे ने, सहाबा कराम ने हजरत बिलाल नूं देखिया, इहनूं कहंदे ने बिलाल ओ नबी दा पुराना दौर याद करवा दे, ओ पुरानी अदां सुना दे, ओ दौर याद करवा दे, हजरत बिलाल कहंदे ने ओ लोगो जदों मैं अगे कहना दम अशहादु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरियां नजरां सोने मुखड़े ते पै जांदियां दी, हुण मैं किन्नू वेखांगा, मेरे जो सख्तां नहीं रह गईयां, मेरे जो हिम्मतां नहीं रह गईयां, अल्लाहु अकबर अल्लाह, हजरत हसन दे हुसैन नूं बुलाया जांदा कि तुसीं सिफारिश करो, हजरत हसन दे हुसैन सिफारिश करदे ने, कहंदे ने मेरे नाने दे बांगे बिलाल, ओ चाचू बिलाल अज अज़ान सुना दे, हजरत बिलाल कहंदे ने ओ हसन दे हुसैन जी सारे जग नूं ते मैं मोड़ सकना हां, तुहानूं नहीं मैं मोड़ सकदा, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए हुजरा सिद्दीका दे सामने ए मस्जिद नबी दी छत ते चढ़ जांदे ने, अज़ान शुरू कर दिंदे ने, हजरत बिलाल ने जदों अज़ान शुरू कीती सहाबा दे नाल मस्जिद नबी भर जांदी है, सिसकियां दी आवाज़ां बुलंद हो रहियां ने, पुराना दौर याद आ जांदा, लोक घरां चों बाहर आ जांदे ने, औरतां छतां ते चढ़ जांदियां,
ने क्या जो पुराना दौर याद आ गया मेरे नबी का पुराना दौर याद आ गया। अल्लाह अकबर अल्लाह इधर हज़रत दे बिलाल कंधने अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे नबी की कबर दे रोदा मुबारक दे नजर पैंदी है बिलाल गश गा के डिगदे ने बेहोश होके गिर जांदे ने इन्नी देर बाद होश आंदी है कहंदे ने ओ सहाबी ओ मेरे यार नबी दे वफादार हो मैं तुहानू गया सी मेरी चिंता नहीं रह गईयां। बिलाल फिर शाम दे अंदर वापस चले जांदे ने बाकी जिंदगी शाम दे अंदर गुजार देंदे ने। हज़रत बिलाल ने मदीना छड़ दिता सहाबा दे इंज दे हालात हो गए ओ मेरे वीर तू बारह रबी अव्वल मना रहे मेरे नबी दे जान तो बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी जिंदगी दे अंदर एक दिन आया मेरे अबू बकर सिद्दीक ने नहीं मनाया हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दस साल दौर रहा उन्हां दी जिंदगी दे अंदर दस वारी दिन आया उन्होंने नहीं मनाया हज़रत उस्मान गनी ने नहीं दिन मनाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन नहीं मनाया हत्ता कि मेरे नबी तो जान दवा 650 साल बाद तक एक दिन नहीं मनाया गया। ए उस बाद बिद्दत जारी की गई अल्लाह के द्वारा अल्लाह बा सानू उस तरह दिन गुजारने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह सहाबा कराम ने गुजारिया क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना का मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन सोना महबूबा जिस तरह इन्हां नूं मौत आ जानी है तुहानू एक दिन मौत आ जानी है। अल्लाह मालिक अगे दुआ है अल्लाह तआला आखिरत दी फिक्र नसीब फरमाए व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।